Hello students, welcome to social science class. So we are studying about chapter number 3 of unit 2, what is government, and we have done two parts of this chapter. We have seen what are the government, what are the works of government, ki government ke kya kya works hote hain, and we have seen different levels of government. Government, there are three levels of government: local government, state government, and central government. And we have seen branches of the government, that is executive branch, legislative branch, and judiciary branch. And we have seen different tasks of these branches. Then we have seen there are many states in India and they have their own state government, okay, and union territories, these are controlled by the central government. And then we have discussed about laws and the government, and now we will discuss about the types of government. Government kitne type ki hoti hai? We mainly focus on the two types of government. First is डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज मोनार्की. एक हम डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे और दूसरी मोनार्की के. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉ. वी नो दैट कि जो गवर्नमेंट होती है, कोई नेशन होता है या कोई स्टेट होती है, उसमें जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, लॉज बनाती है, तो उनको ये डिसीजन लेने की पावर, लॉज बनाने की पावर, ये कौन देता है. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट में इसका आंसर डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, आंसर विल बी डिफरेंट, एंड इफ वी टॉक अबाउट मोनार्की, आंसर विल बी डिफरेंट. ओके, सो मोनार्की, मोनार्की मीन्स होता है जैसे कि जो पहले राजा महाराजा होते थे, उनका गवर्नमेंट का सिस्टम मोनार्की कहलाता है. जब कोई राजा या रानी होती है, दिस विल बी मोनार्की. और डेमोक्रेसी, यू नो डेमोक्रेसी, दिस इज इन हिंदी कॉल्ड प्रजातंत्र. सो वी विल डिस्कस बोथ द गवर्नमेंट. So answer of this question, that who gives the power of decision making and enforcing law. In democracy, this power gives the people. जो भी उस कंट्री के या उस नेशन के जो लोग होते हैं, they give the power to government to make laws and enforce decisions. वही अपनी जो गवर्नमेंट होती है, उसको ये पावर देते हैं कि आप इसमें लॉज बनाइए और अपने डिसीजंस ये लागू कीजिए. ओके, डिसीजंस एंड लॉज. सो इन ए डेमोक्रेसी, पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी. डेमोक्रेसी में पीपल के पास ही फाइनल अथॉरिटी होती है, एंड ओनली दे डिसाइड कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और किस तरीके से ये गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, नियम बनाएगी और उनको लागू करेगी. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो भी लोग होते हैं, जो भी, फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री, तो यहां पर जो भी 18 इयर्स से बड़े जो भी लोग होते हैं, 18 इयर्स, ओके, अगर आप 18 इयर्स के हो जाएंगे, देन यू बी एंटाइटल टू वोट, तब आप वोट वोट दे सकते हैं. ओके, सो जो भी 18 इयर्स से बड़े जो भी लोग होते हैं, आदर मेल और फीमेल, डजेंट मैटर, तो वो वोट देने जाते हैं. ओके, वो अपना वोट देते हैं, जब भी वोटिंग होती है वोट देते हैं, और इनके दिए गए वोट से ये डिसीजन निकाला जाता है कि किसको सबसे अधिक वोट मिले हैं. जिसको सबसे अधिक वोट मिले होते हैं, वही उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में
उसी को रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है। और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जब ये जो जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक जीतते हैं तो वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। दिस फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, ओके, दिस फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी कौन हुई? लोग हुए, बिकॉज ये जो लोग हैं इन नेताओं को, इन मंत्रियों को, इनको चुनते हैं और उसके बाद ये अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद ये लॉज बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं। सो पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी इन द डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में पीपल ही होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। लेकिन इसका अलग है मोनार्की में। मोनार्की मींस जिसमें किंग्स और क्वींस होते हैं। सो जिसमें भी ये किंग्स और क्वींस होते हैं, दिस इज कॉल्ड मोनार्की। और ये जो किंग या क्वीन बनते हैं, ये इनको कोई लोग नहीं चुनते हैं, ओके, ये अपने जो भी इनके पेरेंट्स होते हैं, जो पहले से किंग या क्वीन होते हैं, वही अपने बच्चों को किंग या क्वीन बनाते हैं, ओके। सो इसमें फाइनल अथॉरिटी जनता नहीं होती है, बल्कि जनता का इसमें कोई रोल ही नहीं होता है, लोगों का कोई रोल नहीं होता है। ओनली जो किंग और क्वीन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन अगला किंग बनेगा, कौन अगला क्वीन बनेगा। सो ये जो मोनार्की होती है, इसमें जो किंग्स या क्वीन होते हैं, इनकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये अपने डिसीजन फ्री हैंड लागू करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर किंग अच्छा होता है, अगर वो खुद ही अपने बुद्धि विवेक से सोचता है कि ये डिसीजन जनता के लिए अच्छा होगा, सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा होगा, देन तो अच्छा होता है। और अगर वो नहीं सोचता है तो जनता इसमें कुछ नहीं कर सकती है। सो देयर इज नो रोल ऑफ पीपल इन द मोनार्की, ओके। बट इन डेमोक्रेसी, इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में अगर कोई डिसीजन जनता के भले के लिए नहीं है तो जनता उसका अपोज करती है, ओके। और इनको जो भी मंत्री होते हैं या जो भी डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनको जवाब देना पड़ता है। दे हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो दे हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट इन मोनार्की देर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग, ओके। सो ये डिफरेंस है। और इसमें जनता चुनती है, और इसमें जो प्रायर किंग्स होते हैं, पहले वाले किंग्स होते हैं या क्वीन होती है, वही चुनती है, ओके। तो अब ये इस समय मोनार्की वाला सिस्टम ये यूज में नहीं है, इसमें काफ़ी कमियां थी। इस समय पूरे वर्ल्ड में मोस्टली डेमोक्रेसी ही यूज में है, ओके। हियर इन दिस पिक्चर, आई विल शो यू द पिक्चर, यू कैन सी द किंग, यू कैन सी द किंग, ओके। एंड यू हैव हियर्ड अबाउट डिफरेंट किंग्स, आपने कहानियां भी सुनी होंगी राजा की, रानी की। सो ये सिस्टम अब प्रचलन में नहीं है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेम ऑफ दिस टॉपिक इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके। हियर यू कैन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, फर्स्ट वी डिस्कस कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस। सो इन दिस फर्स्ट इज, डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम? गिव टू रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें पूछा गया है कि अगर कोई डिसीजन लिया गया है जो कि लोगों को अफेक्ट करता है, तो उसमें पीपल को इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, इसके लिए दो रीजन बताने हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट ये है कि उसमें लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। देर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, बिकॉज एनी डिसीजन विच इज टेकन एंड दैट अफेक्ट्स द पीपल, इट शुड बी इन, देर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, बिकॉज उनका जो भी इंटरेस्ट है,
जो भी उनका भला है या जो भी बुरा है ये लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है, दैट्स वाई लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड सेकंड, जो भी गवर्नमेंट होती है इसको अपने जो भी सिटीजन हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करना चाहिए, दैट्स वाई पीपल चूज द गवर्नमेंट। सो दीज आर टू रीजन्स। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रीफर टू हैव इन प्लेस यू लिव इन, वाई? आप किस तरह की गवर्नमेंट चाहेंगे और क्यों? सो आंसर ऑफ दिस, हमको ये पता है कि डेमोक्रेसी इज नाउ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की में राजा कोई भी डिसीजन लेता है लेकिन उसको अगर प्रजा की परवाह नहीं है तो प्रजा का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वो प्रजा के भले में नहीं होगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है ही इज़ रेस्पॉन्सिबल, उसको जवाब देना पड़ता है, और डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है उसको जनता ही चूज करती है, लोग ही चूज करते हैं, दैट्स वाई उनका जो भी डिसीजन होता है पीपल के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिया गया होता है। सो वी चूज डेमोक्रेसी नॉट मोनार्की। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। करेक्ट दो सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड करेक्शन, और उनको ठीक करना है जिनको आपको लगे कि ये गलत है। सो फर्स्ट इज, इन ए मोनार्की द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट हुम एवर दे वांट। ये कहा गया है कि मोनार्की में, यानी कि राजतंत्र जो होता है जिसमें राजा रानी होते हैं, द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट। कंट्री के सिटीजन को ये परमिशन दी जाती है कि वे किसी को भी इलेक्ट करें। क्या ऐसा होता है मोनार्की में? नहीं, ऐसा मोनार्की में नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट इसको ऐसे करेंगे कि इन ए मोनार्की द कंट्री सिटीजन आर नॉट अलाउड। यहां पर हियर वी पुट नॉट, यहां पर हम लिख देंगे नॉट अलाउड, नॉट अलाउड टू इलेक्ट हुम एवर दे वांट। तब जब यहां पर नॉट लगा देंगे देन दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। सेकेंड इज, इन ए डेमोक्रेसी अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि डेमोक्रेसी में एक राजा को एब्सोल्यूट पावर होती है किसी भी कंट्री पर रूल करने के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बात तो यह है कि डेमोक्रेसी में कोई भी राजा नहीं होता है। अगर डेमोक्रेसी की बात होगी तो यहाँ पे राजा नहीं होगा, ओके? मोनार्की में यहाँ पे राजा होगा। सो इन ए डेमोक्रेसी देर इज नो किंग। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सो इन ए डेमोक्रेसी अ किंग हैज नो एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री, ओके? एंड थर्ड इज, इन ए मोनार्की पीपुल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्च टेक्स। थर्ड में कहा गया है कि मोनार्की सिस्टम में पीपल अपने जो भी किंग के या मोनार्च के जो भी डिसीजंस होते हैं उन पे क्वेश्चन उठा सकता है। ऐसा भी नहीं है, उन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, क्योंकि किंग इज द फाइनल अथॉरिटी इन द मोनार्की। और इसको करेक्ट करना है तो यहाँ पे इन ए मोनार्की पीपुल कैन नॉट, यहां पर नॉट आ जाएगा, कैन नॉट, यहां पर नॉट आएगा, कैन नॉट रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्च टेक्स, ओके? तो किंग के डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। किंग इज द फाइनल अथॉरिटी इन द मोनार्की सिस्टम। सो दस वी हैव डिड दीज क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में आप डिटेल से जानेंगे। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? एज वी नो, इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मींस क्या होता है? मींस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के ऊपर ही शासन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उस कंट्री के लोग होंगे, जो भी उस कंट्री के पीपल होंगे, वो किसी को वो ही गवर्नमेंट को चुनेंगे, ओके, वही गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। अब वो गवर्नमेंट को किस तरीके से फॉर्म करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। इस समय जो भी गवर्नमेंट, जो भी डेमोक्रेसी इस समय चल रही है, तो दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? ये ऐसा होता है कि जब भी इलेक्शन होता है, जब भी वोट पड़ते हैं, तब ये जितने भी लोग होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार होता है, 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग हैं, ये सब वोट देते हैं और ये एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, किसी एक बंदे को चुनेंगे। और ये रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है इनकी तरफ से, इन लोगों की तरफ से, और जो जो दूसरे एरिए के होंगे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होंगे, तो भी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। इस तरीके से अलग अलग जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके लोग अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और ये सब रिप्रेजेंटेटिव ये मिलकर ये फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट, ओके। जो भी पार्टी मेजोरिटी में होगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। सो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड चूंकि ये वोट देने का अधिकार सभी लोगों को है, जो भी 18 साल से ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जाति क्या है, रंग कैसा है, गोरा है, काला है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सो ही हैज द राइट टू वोट, ओके। सो हर किसी को इसमें वोट देने का अधिकार है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट मीन्स यानी 18 ईयर से ऊपर है, और यूनिवर्सल मीन्स हर किसी को अधिकार है वोट देने का, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वोट देने का अधिकार ना हो, ओके। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मीन्स वोट देने का अधिकार। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स हर किसी को है, अडल्ट मीन्स 18 ईयर से ऊपर वाले, एंड फ्रेंचाइज मीन्स वोट देने का अधिकार। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सो लेकिन ये अभी ऐसा इस समय है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जब जब हमारी कंट्री ये अंग्रेजों की एक कॉलोनी थी, तो उस समय क्या होता था कि पहले तो अंग्रेजों ने किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया था, वही शासन करते थे। लेकिन फिर जब देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपोज हो रहा है, तो उन्होंने कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। तो उसमें वोट देने का अधिकार उन लोगों को था जो या तो टैक्स देते थे, जो या तो टैक्स देते थे काफ़ी अच्छा खासा गवर्नमेंट को, है, और सबको नहीं था। जो टैक्स देते थे सिर्फ उन्हीं को अधिकार था, और वोमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। पहले की बात बता रहे हैं ये। अब इस समय तो हर कोई वोट देता है, लेकिन पहले सिर्फ जो टैक्स जो देते थे, अच्छा खासा टैक्स देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। और इससे पहले की बात करें तो वोमेन को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन वोमेन ने अपने इक्वलिटी के अधिकार के लिए, वोट देने के अधिकार के लिए, समाज में उनकी मैन के साथ समानता हो, तो इसके लिए काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया, काफ़ी मूवमेंट किया। वोमेन के ये मूवमेंट, दीज आर कॉल्ड वोमेन सफ्रागेट मूवमेंट। हियर वी कैन सी वोमेन सफ्रागेट मूवमेंट। हियर यू कैन सी ये वोमेन वोट देने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। इनका जो भी स्ट्रगल है, दिस इज कॉल्ड वोमेन सफ्रागेट मूवमेंट। हियर यू कैन सी आई मार्क दिस दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वोमेन सफ्रागेट मूवमेंट, यानी वोमेन ने वोट देने के अधिकार के लिए जो मूवमेंट किए, जो आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। सो ऑल द कलेक्शन ऑफ दीज प्रोटेस्ट, दीज मूवमेंट्स, दीज एफर्ट्स, दीज आर कॉल्ड वोमेन सफ्रागेट मूवमेंट, ओके। और
इन्हीं के कारण वोमेन को वोट देने का अधिकार मिला, उनकी समाज में मेल के साथ पूरी इक्वलिटी हुई। अमेरिका में 1920 में वोमेन को वोट देने का अधिकार मिला, जबकि यूके में 1928 में वोमेन को वोट देने का अधिकार मिला। नाउ एट दैट टाइम ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैज डेमोक्रेसी दे हैज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दीज पीपल दीज आर गिविंग वोट, ये अपना वोट दे रहे हैं जब भी वोट पड़ते हैं। एंड ये आप देख रहे हैं कि हाथों में स्याही लगा रहे हैं उंगली पे। सो दिस इज वोटिंग सिस्टम, एंड जहाँ पे सभी लोग वोट देते हैं, सभी एडल्ट लोग वोट देते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस चैप्टर एंड वील डू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट टर्न। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।